बंगाल विधानसभा चुनाव आने में मुश्किल से 2 महीने बाकी हैं और सियासत अभी से ही गर्मानी शुरू हो गई है। टीएमसी का पाला धीरे धीरे खाली होता जा रहा है और ये टीएमसी के सभी बागी नेता बीजेपी का दामन थामने में जी जान से जुट गए हैं। हाल ही में डोमजूर विधानसभा सीट से विधायक राजीव बनर्जी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद हवाड़ा और उत्तर पारा से विधायक वैशाली डालमिया और प्रवीण घोषाल के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये सभी नेता अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी के खेमे में शामिल होने वाले थे, लेकिन दिल्ली में इजराइल दूतावास पर बम ब्लास्ट के बाद अमित शाह का बंगाल दौरा टाल दिया गया, लेकिन अमित शाह की जगह स्मृति ईरानी बंगाल का दौरा करने वाली हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि इन नेताओं को बीजेपी ने चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुलवाया है और इन नेताओं के मुताबिक ये तीनों बागी नेता दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इन नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि हमारे पास टीएमसी को छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं था। अब एक तरफ जहां दीदी को एक बार फिर झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी भी बंगाल पहुंचने वाली हैं। बंगाल पहुंचते ही स्मृति ममता सरकार पर बयानीवारों की कतार लगा सकती हैं। हालांकि अमित शाह का दौरा टलने से ममता बनर्जी का डर थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन उस डर को बरकरार रखने के लिए ईरानी बंगाल कूच करने वाली हैं। ऐसे में अगले आने वाले कुछ समय में ममता पर कटाक्ष का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसके लिए ममता दीदी को तैयार रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।